Good morning and welcome back. Devansh has a problem. कई entries आ रहे हैं उसके. वो कई बार Zoom में नहीं होता है. That you log in once, फिर नहीं हो पाता, फिर then you again log in, again log in. Somehow Devansh is having that problem. I don't know whether he has been able to log in or not. You know. Hopefully we'll be able to do it. चलो anyway, good morning messages from the गुड मॉर्निंग ध्रुव जय गोयल शिवम कार्तिक मनन अक्षित खुशी रचित ध्रुव से इसकी आजकल तो पासवर्ड भेजने का जरूरत ही नहीं है वो तो मैंने पहले ही बोला कि इट्स मोर ऑफ अ फॉर्मेलिटी है ना. मनन डंगवाल गुड मॉर्निंग. अच्छा मैं एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर लेता हूँ उसके बाद स्टार्ट करते हैं. दैट इज अक्षित एज ए क्वेरी ऑल्सो की इस बार सीपीटी किसका क्यों. आई थिंक क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो हो गया. आई थिंक मैथ्स के बारे में दिस इज व्हाट आई नो. क्यों मैं रहा हूं वो चेक कर लेना. लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर आई हैड गिवन अ चार्ट टू बी मेड. तो जब मैंने चार्ट दिया फिर मैंने सेंड भी किया अपना खुद का एक बना हुआ भी दिया. सो दैट कुड हैव बी एक्टिंग एज अ सम काइंड ऑफ अ टेम्पलेट. आई मीन तो देयर वर क्वाइट अ फ्यू रिस्पांसेस नॉट ग्रेट इन नंबर. आई मीन ऑब्वियसली ठीक है ना. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग नंबर बट यस देयर वर क्वाइट अ फ्यू रिस्पांसेस एंड बिकॉज दैट वाज द स्टार्टिंग. तो लाइक पीपल हैड फिल्ड अप कि मेरा इस वीक का टारगेट ये है. बट अनफॉर्चुनेटली देयर वर ओनली आई थिंक व्हाट five or six responses or maybe seven probably. There were only seven responses this week. ठीक है ना. तो मैं reason तो समझ सकता हूँ. Reason is that maybe let's see you had put a target of कि physics में मुझे 70 questions करना है, chemistry में 90 questions करना है, maths में I told कि double. देखो मैंने उस दिन भी समझाया तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ. कायदे से physics is to chemistry is to maths का ratio है ना. ये होना चाहिए. दिस इज व्हाट इट शुड बी. और जहां तक इसके अंदर का डिवीजन है ठीक है ना. तो मान लो कोई भी सब्जेक्ट का एनी सब्जेक्ट का उसके 11th और 12th का जो रेशियो होना चाहिए दैट शुड स्टार्ट विथ 30:70. Now and by September end, this should be almost in the ratio 40:60. Okay, or maybe you can start with 25:75 right now. So slowly the importance of class 11 should go increasing, and therefore what should happen is that right now any subject physics 11-12 chemistry 11-12 maths 11-12 should start with the ratio of 25:75 that is 1:3 I mean, and then should go on increasing. So like 11th ka share increase karna chahiye dhire dhire. Abhi to August mid hai, till September end ye share dhire dhire badhte around 40:60 ho jana chahiye. That and after that maybe you can make it almost half hour. ठीक है ना. या even 40:60 can continue till that. So my point is that जिन्होंने last week भेजे थे कि मेरा ये target रहेगा, quite a few didn't send it this week. So like there are possible reasons I understand. But वो जो possible reasons सोच रहे हो ना, यही वजह है mainly उस target को बनाने. Is that कि देखो अगर मान लो तुमने वो target नहीं बनाए होते तो यू वुड नॉट इवन हैव थॉट ऑफ कि एम आई रियली गोइंग अलोंग अ सर्टेन पेस और नॉट. क्योंकि सब लोग आइसोलेटेड तैयारी कर रहे हो. अभी प्रॉब्लम क्या है कि लॉकडाउन के कंडीशन में कि सब लोग आइसोलेटेड तैयारी कर रहे हो. सब अपने अपने जगह बैठे हैं, सब अपने अपने घर में बैठे हैं, मतलब तो देयरफॉर इंटरेक्शन काफी कम है और एकेडमिक इंटरेक्शन तो और कम है ना. तो देयरफॉर वी ऑल्सो डोंट नो कि व्हाट अदर्स आर डूइंग. एंड माइंड यू
I'm not talking about only your batch. I'm saying कि all over the country, we don't know what others are doing. तो उनके साथ भी मैच अप करने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ तैयारी होना चाहिए. तो वो टारगेट ओरिएंटेड करके ही हो पाता है एंड ऑल्सो ट्रैकिंग कर. इसलिए मैं बार बार कहता हूँ और मैं फिर से कहूंगा इज दैट जो भी हुआ अचीवमेंट, मे बी लास्ट वीक हो सकता है कि तुमने टारगेट किया था 100 क्वेश्चंस इन फिजिक्स और मे बी 100 इन केमिस्ट्री. में हो सकता है कि केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं होगा, क्वाइट पॉसिबल. आई मीन सिचुएशन सबके अलग अलग होंगे. या हो सकता है कि टारगेट 100 का था और मान लो तुमने सिर्फ 65 किए या मान लो 60 किए, तो विल फील कि अरे इसको क्या भेजना है, छोड़ दो अभी तो बहुत कम हो गया. और एक चीज तो मुझे अच्छा ही लगेगा लग रहा है इज दैट यू नो कि चाहो तो 60 करके 90 भी भेज सकते है ना. अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करना होता तो 60 करके 90 भेजने में मैं कौन सा कोई चेक करने वाला हूँ. इट्स अ गुड थिंग दैट यू हैव नॉट डन दैट. अभी तो लाइक व्हाट आई वुड से इज दैट कि मान लो अगर कम भी हुआ है, इवन जीरो भी हुआ है किसी सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट, फिर भी जो है ना इस सेंडिंग वाला एक्टिविटी ना वो रख एक्टिव रख, उसका गेन फैक्टर ये होगा कि देखना कहीं ना कहीं एक मॉरल प्रेशर आ जाता है, कहीं ना कहीं एक मॉरल प्रेशर आ जाता है. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द प्रेशर शुड वर्क. प्रिपरेशन इज ऑलवेज इंटरनल डिजायर रादर देन एक्सटर्नल प्रेशर. आई एडमिट दैट, बट येट दैट इंटरनल डिजायर ऑल्सो इज समटाइम्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट. तो वो एनवायरमेंट थोड़ा सा मिसिंग है. क्यों? देखो एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, जैसे मान लो क्लास में बैठे हो तो एक माहौल बनता है, पता चलता रहता है कि इसने ये किया उसने ये किया, इसका देखो ऐसे हुआ एग्जाम हुआ रिजल्ट हुआ, पता चलता रहता है. तो दैट क्रिएट्स एन इंटरनल डिजायर. तो कुछ इस तरीके का जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स है वो मिसिंग है. तो देयरफॉर अगर मान लो जस्ट बाय सेंडिंग द रिपोर्ट वंस अ वीक, इट जस्ट अ वंस अ वीक एक्टिविटी, मैंने कोई लंबा चौड़ा डेली वाला एक्टिविटी नहीं थी, इफ इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन यू. और जहां और देखो ये भी बता देता हूँ इज दैट टारगेट्स आर नेवर 100% अचीव. ये मैं जानता हूँ. तो तुमने जो भी टारगेट किया होगा लास्ट वीक, देयर वर क्वाइट अ फ्यू पीपल हु हैड सेट, आई डोंट वांट टू गो इनटू नंबर्स, बट इस बार सिर्फ 6 या 7 लोगों ने फिर उसके रिवर्ट किया. मतलब पिछले हफ्ते के ऑलमोस्ट समझ लो कि आधा या 1/3 हो. तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कंसर्न आया कि मे बी दे हैव नॉट अचीव्ड एंड देयरफॉर नॉट सेट. ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमेशा ही चलेगा. इफ आई टारगेट दिस आई विल प्रोबेबली अचीव 70-80 और मेबी 65 व्हाटएवर परसेंट ऑफ, उसमें कोई घबराने की बात नहीं. It is just that you should reassess, reorient, and retarget according to last week's achievement, learning from that experience of either a success or failure, whichever side it was in any of these subjects. So, usse kya hoga na ek momentum bana rahega, and that would be a good activity. So, I would wish that, except for those who already sent, others also, irrespective of whatever your status of achievement was, please send the report so that. Ab main koi tokta thodi, main to just dekh raha hu, observe kar raha hu. And maybe somewhere wherever the comment is required, I do write 1 or 2 lines. So मैं wish करूँगा कि बाकी लोग भी जो है इसको send करके इसको regularly maintain करो. In fact, what I would also wish is that those who had not sent last week, they also start sending. I mean, there is no harm in that because you are just keeping and monitoring a target. तो क्या दिक्कत? Just send it once. That's it. Forget about that. Next Sunday again assess, then again send it once. After assessing. Your week, I mean. So it's a good activity. There's no harm in that. Some of you might not be attracted by it, but then 10-minute activity, even if not attractive, is not bad. ठीक है ना? Anyway, there are few questions probably. Akshay has asked, क्या हमारा paper Jan में भी होगा? देखो, as per the latest directive that High Court या Supreme Court ने जो दिया है, कल ही जो दिया है, कि हम carriers को रोक नहीं सकते हैं. तो अगर मान लो सेफ्टी वगैरह ये सब मेजर्स करके अगर मान लो एग्जाम कराया जाता है विद व्हाटएवर सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल. और देखो मेरा एक गैस है कि दिसंबर तक तो चीजें स्टेबलाइज कर जाए, मेरा गैस. क्योंकि ऑलरेडी देखो अगर नंबर्स देखोगे तो जितने रोज इंक्रीज हो रहा है द नंबर ऑफ न्यू केसेस एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ केसेज हु आर गेटिंग राइट लाइक बैक टू नॉर्मल, वो ऑलमोस्ट अब बराबरी पे आ गया. तो लाइक देर इज अ टिपिंग पॉइंट इन विच वंस देर इज अ ट्रेंड कि जितने इन्फेक्टेड हो रहा है पर डे दैट इज लेसर और जितने क्योर्ड हो रहा है पर डे वो अगर मोर हो जाए तो इन दैट केस द ग्राफ देन स्टार्ट्स ऑन अ डाउनवर्ड स्पाइरल. तो लाइक अभी तो ऑलमोस्ट इवन कील है. आई थिंक कल शायद 57,900 के आसपास इन्फेक्टेड है और 57,400 के आसपास ठीक हो गए. तो लाइक इट्स ऑलमोस्ट 500 नाउ. आई मीन दैट्स नॉट अ बिग नंबर.
ये कोई ट्रेंड नहीं है, मे बी इट माइट गेट रिवर्स ऑल्सो इन फ्यू डेज, हो सकता है कि नंबर ऑफ इन्फेक्टेड बढ़ जाए थोड़ा सा और नंबर ऑफ क्योर्ड थोड़ा कम हो जाए, यू नेवर नो, आई मीन दीज नंबर्स विल गो ऑन चेंजिंग, बट देयर इज अ सर्टेन ट्रेंड. पहले तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था कि 30,000 इन्फेक्टेड हो रहा है तो पता चला 25,000 क्योर्ड हो रहा है, तो लाइक इट्स अ बिग डिफरेंस, और अब ऑलमोस्ट इवन किल पे आ गए. तो बाय डिसंबर आई थिंक थिंग्स शुड बी बैक टू नॉर्मल, और आई मीन सॉरी नॉट नॉर्मल बट एटलीस्ट मच बेटर. तो एग्जाम तो आई थिंक अब रोकेंगे नहीं, तो आई थिंक दैट एग्जाम शुड बी देयर. आई डोंट नो वेदर इट विल बी यू नो, है ना. सत्यम सेज दैट एट ए टाइम एक ही चैप्टर हो पाता है. देखो आई एम नॉट गोइंग इनटू चैप्टर डिटेल्स एंड एवरीथिंग, that you are supposed to plan just by sitting once for 10-15 minutes on Sunday. इसके लिए इतना वो नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं, एक नेगेटिव वो, मतलब इसके लिए थॉट्स नेगेटिव नहीं होने चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है ना. आई एम नॉट गिविंग द राइट वर्ड मे बी, सो दैट यू नो इट गाइड्स यू रादर देन इट पुट्स यू डाउन मॉरल. सो दैट्स हाउ आई वुड पुट इट. दीप मैंने आस्क की क्या आपके ऑफिस के इंटर्न्स भी टाइम टेबल बनाते हैं. देखो अभी तो मेरा ऑफिस सस्पेंडेड एनिमेशन में है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, ठीक है ना. चलो एनीवे, सत्यम सेज की दो दो चैप्टर चलाना मुश्किल है. सत्यम इज ऑल्सो आस्क अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्या चेंज सिलेबस क्या एग्जाम को इफेक्ट करेगा. देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग फिजिक्स के जो सिलेबस का चेंज है दैट्स वेरी नॉमिनल, वेरी नॉमिनल. तो लाइक इट्स हार्डली अ चेंज है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग एक आध टॉपिक अगर छोड़ दें तो जो चेंज किया गया ना वो इतना ज्यादा कनेक्टेड है टू द एग्जिस्टिंग सिलेबस कि वो एज ए क्वेश्चन फिर भी आ सकता है. आई मीन है ना, यू कांट डिनाई दैट एस्पेक्ट. तो देयरफॉर कंसीडर दैट इन फिजिक्स देयर इज ऑलमोस्ट नो चेंज एज फार एज जेई एडवांस इज कंसर्न. मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ. मेन्स के हिसाब से एक दो चेंजेस किया गया, बट देन दैट इज अ लिटिल सस्पेक्ट. That is a little suspect because last year communication chapter was deleted. Listen carefully. Last year communication chapter was deleted, लेकिन उससे questions mains में आया है. Number one. Number two. Last year semiconductor chapter के last के 4 या 5 topics deleted थे. दोबारा सुनो. Last year मतलब ये year अभी खत्म ही कहा हुआ, अभी तो उसका second phase बचा है. मतलब this year. So this year semiconductor chapter last 4-5 topics were deleted. लेकिन जो December का जो mains exam हुआ था उसमें उस topic से भी questions आए थे. So therefore deletion of a syllabus as far as your preparation is concerned is not going to change much. Or maybe I should say there is no change at all. थोड़ा CBSE के लिए change है. आप CBSE में मान लो अगर total अगर मान लो 150 topics है, उनमें अगर मान लो 4-5 topics निकाल दिया गया या 5-6 topics निकाल दिया गया, ठीक है. देखो ये सब पता है क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं और उसमें प्रोग्रेस हो जाता है ना तो हम लोग उसी पे टिक जाते हैं और हम लोग एनालाइज नहीं करते. तो मैं तो यही रीजन से तो कह रहा हूँ, एवरी संडे अगर 10 मिनट भी बैठोगे ना तो एनालाइज की तुमने क्या किया नेक्स्ट पिछले हफ्ते, तो ऑटोमेटिकली दीज थिंग्स विल गेट आयरन्ड आउट. You will see, अरे बाप रे केमिस्ट्री तो लास्ट 2 वीक्स में मैंने कुछ किया ही नहीं है, ना ना अब करना पड़ेगा. अब चक्कर क्या होता है ना, जब तुम कर रहे हो कोई चीज तो उसी में मोमेंटम में चलता जाता है और टाइम भी निकल जाता है. बाय द टाइम सडनली एन अलार्म इज रेज्ड, इट्स टू लेट. Whereas 10-15 मिनट्स एवरी संडे इज एक्चुअली गोइंग टू इवन आउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स एट योर रिस्क. सो देयरफॉर इट इज ऑल द मोर रीजन कि प्लानिंग करो, चार्ट बनाओ. And sending is not the compulsory thing. But the thing is the sending का एक फायदा क्या होता है, you also get a little bit of moral pressure कि यार है ना अच्छा नहीं लग रहा है कि zero हो गया and all. तो देखना एक automatic moral pressure आ जाता. So that is the only thing. Otherwise why should I try to interfere in your this thing? है ना, I would be happy if you are doing it on your own. But कई बार वो हो नहीं पाता. So there is no harm in just sending it once. I also have a look. You know maybe if there is some comment to be made, I do make. I have given suggestions to some of you also. Who were doing it in a certain manner, and I advised them to do it in a little different manner. So it's not that necessary to listen to the advice, but at least if you read the advice and then you are having your own thoughts, so maybe you can juxtapose them, and maybe that could give a better planning. ठीक है ना? So anyway, we were discussing about yesterday about Lloyd's mirror.
लॉयड स्यूरर में लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, बल्कि मैं वो क्वेश्चन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन द जनरल कंटेक्स्ट भी पूछना चाहूंगा. एंड दैट इज, मैंने पूछा था कि सपोज ये एच डिस्टेंस है और यहां पे लैम्डा वेवलेंथ का लाइट और मिरर पूरा है. कल को जो हमने क्वेश्चन किया था अगर याद होगा कि सिर्फ कुछ ही नंबर ऑफ फ्रिंजेस उस रीजन में अटका था, मतलब इन द सेंस की प्रेजेंट. बट अब मैंने मिरर पूरा रख दिया, तो लाइक फ्रिंजेस कैन बी ऑब्टेन्ड इवन एट इंफिनिटी आल्सो, थ्योरेटिकली एट इंफिनिटी आल्सो. तो माय क्वेश्चन वाज हाउ मेनी टोटल फ्रिंजेस. बल्कि मैं ये क्वेश्चन एक और कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहूंगा. ये तो चलो एक जनरल क्वेश्चन हो गया, मैं एक और क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा. एंड दैट इज फॉर अ जनरल दिस वन. लेट्स से ये है सपोज 0.25 मिलीमीटर और एक सोर्स है विच इज सपोज 8000 एंगस्ट्रॉम और कुछ भी ले लो ये मे बी 3 meters. ठीक है, क्वेश्चन इज हाउ मेनी फ्रिंजेस. इसमें भी हाउ मेनी फ्रिंजेस और इसमें भी हाउ मेनी फ्रिंजेस. बल्कि एक काम करो, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ और इसको क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ. लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट. हाउ मेनी फ्रिंजेस इन दिस पर्टिकुलर केस. इस केस में टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने मिलेंगे. गो अहेड. कल वाला भी करेंगे, पहले इससे शुरू करते हैं. This is a more straightforward and direct question. यहाँ तो चलो reflection का चक्कर है, तो वो थोड़ा सा distort करता है, but यहाँ पे तो ऐसे कुछ नहीं. बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और question पूछ लेता हूँ. That is, suppose there are two sources. एक circle है, ये एक circular screen है, maybe cylindrical or something like that. और यहाँ पे एक diameter के अंदर suppose दो sources है. और मान लो इनके जो गैप है वो है सपोज 5 लैम्डा एंड दी सोर्सेस S1 and S2 आर कोहरेंट. याद है ना, कोहरेंट मींस व्हाट, कि उनके आपस में फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट या तो जीरो. कांस्टेंट में जीरो भी आ जाता है, तो दैट इज कोहरेंट. Now you might say कि कोहरेंट का जरूरत क्या है ना. कोहरेंट का जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर रैंडम फेज डिफरेंस हो जाता है एट एनी टाइम, अगर सब कुछ हो जाता है, in that case क्या होगा, सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगा. ये देखना सीबीएसई का एक कॉमन क्वेश्चन. एंड दैट इज व्हाई इज कोहरेंट सोर्स रिक्वायर्ड. कोहरेंट सोर्स इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न. नहीं तो क्या होगा कि अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग टाइप के इंटरफेरेंस पैटर्न होगा और लाइट वाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इतना ज्यादा होता है कि लाइक द पैटर्न विल गो ऑन चेंजिंग सो स्विफ्टली दैट यू विल ओनली सी एन ओवरऑल लाइटिंग, यू विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ अ पैटर्न. ये चक्कर. ठीक है, चलो एनीवे S1 और S2 5 लैम्डा ये स्क्रीन है पूरा. तो क्वेश्चन इसमें भी यही है, हाउ मेनी फ्रिंजेस. दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन अक्रॉस ऑल द थ्री. तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूं. पहले 1 का आंसर बताओ, हाउ मेनी फ्रिंजेस. जल्दी बताओ इसका आंसर, हाउ मेनी फ्रिंजेस आर देयर. वैसे देयर आर फ्यू हैबिचुअल वंस हु डो नॉट आंसर, शायद उनको पिकअप करना चाहिए कभी कभी. लेट मी चेक. लेट मी आस्क सम ऑफ यू स्पेसिफिकली.
प्रत्यक्ष पृथ्वी रचित आरजे अरविंद मैं सीरियल ही जा रहा हूँ एक रैंडम ब्लॉक लेके प्रत्यक्ष पृथ्वी रचित आरजे अरविंद रोहन रोहन वीर एंड सक्षम लेट्स सी हाउ मेनी यू आर एक्टिव हैं ऑनलाइन क्लास में तो यू कैन बी देयर एंड यू कैन बी नॉट देयर आल्सो ओके प्रत्यक्ष इज गिवन इज सॉल्विंग नहीं ये काम करो इसको तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो जैसे मनन ने बताया कि इनफाइनाइट है ओके मनन जस्ट टू गिव यू दिव्यम सेज कि एक बार कैमरा भी ऑन करवा लो एक्चुअली सभा मुझे ये सब चीज अच्छा नहीं लगता है आई विश दैट एवरीबॉडी इज है ना एक्टिव ऑन देयर ओन आरजी अरविंद आल्सो इज सेइंग कि just 2 minutes what about others rachit prithvi saksham 1 minute sab bol rahe bas 1 minute de do chalo rati is also doing so anyway manan just to give you that कि इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं है मैं समझ गया इनफाइनाइट का लॉजिक सो व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि यहां से लेके वो फ्रिंज चलता जाएगा इनफिनिटी तक तो इनफिनिटी में फ्रिंज विड्थ से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होगा इनफिनिटी बट यू नो व्हाट इट विल नॉट हैपन दैट वे अब क्यों नहीं होगा उसका जरा लॉजिक समझो पहली बात तो फ्रिंज विड्थ यूनिफॉर्म नहीं होगा बट देन यू माइट से क्यों नहीं फ्रिंज विड्थ का तो फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ का जो ओमेगा है वो तो फॉर्मूला है लैम्डा डी बाई डी है ना तो याद करके देखो लैम्डा डी बाई डी तब आया था जब हमने साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा लिया अब जैसे तुम यहां से यहां पे आ जाओगे तो एंगल्स बड़े बड़े होने लगेंगे इन दैट केस फ्रिंज विड्थ विल नॉट बी यूनिफॉर्म सो दिस फ्रिंज विड्थ फॉर्मूला और व्हाटएवर द केस इज इट इज ओनली वैलिड For a small region, the moment you go into extended region, you will see that the fringe width goes on increasing. ठीक है ना? It goes on increasing. So therefore, it will not work that way. Here, anyway, now let me come to the point. Why is that there is a finite number of fringes? Let's understand that. Number one. First of all, what is the path difference out here? In a normal YDSA setup, the path difference out here is zero. है या नहीं? और infinity पे, I mean infinity तो कोई point तो है नहीं खैर. Infinity में बता सकते हो? इसको मैं dot 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 कर देता हूँ. है ना? At infinity, can you tell me what will be the path difference? इसका आंसर तो At infinity, what is the path difference? Okay, Satyam says zero, Kartik says zero, Dhruv also says zero, Manan Dangwal says zero. Na, thoda dobara socho. Path difference zero nahi hai. Shivam has asked, does it mean that the last fringe would have infinite fringe length? Bilkul sahi baat bola. Axis says 0.25. Now Shivam has said 0.25 millimeter. That's the right answer. ये तो कोई infinite का सोचो. Infinite का पता कैसे हो रहा है? Infinite का मतलब ये हुआ कि देखो ऐसे तो पहले तो ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर और ऐसे होगा. तो जब infinity चले जाओगे तो एक ray यहाँ से जा रहा है और एक ray यहाँ से जा रहा है. तो एक का उधर से ले और एक दूसरे का इधर से. Path difference क्या हो गया ये वाला? So therefore, for at infinity, path difference is equal to 0.25 millimeter. समझो ना तो देयरफॉर जरा सोचो कि पहला ब्राइट फ्रिंज हो रहा है जहां पे पाथ डिफरेंस जीरो है फिर जहां पे लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा इस तरीके से जाएगा है ना तो 7 लैम्डा इस तरीके से अब 8 लैम्डा 9 करके तो यानी यहां पे यानी इंफिनिटी पे अगर मैं n लैम्डा पूछूंगा तो क्या होगा ना n लैम्डा इज इक्वल टू 0.25 मैं पहले किसके आंसर दे रहा हूं ठीक है ना So therefore, n is equal to
0.25 मिलीमीटर है ना इंटू 10^-3 बाय 8000 इंटू 10^-10 दैट इज एम दिस इज एम ठीक है ना ये चीज इक्वल टू कितना हो गया 10^-7 तो है ना 10^3 10^-7 10^+7 10^+4 10^+4 को मैं बना सकता हूं 2500 बाई 8 यानी 2500 बाई 8 क्या आएगा ठीक है ना 25 by 2 that is equal to 625 by 2 and 312.5 so that is 312.5 acha Khushi Bhatt has also given that the answer is small d bilkul sahi answer diye hain Shivam Akshit aur Khushi Bhatt ne sahi answer diye hain so yani n is equal to 312.5 aap samajh mein aa gaya so therefore upar jo hai na 312.5 fringes honge ऐसे नीचे भी होंगे फिर इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा सो देयरफॉर फाइनली टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो जाएंगे 312.5 एंड वन ऑब्जर्वेशन वाज डन बाय शिवम एंड दैट इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज कि जैसे जैसे दूर चले जाओगे ना तो फ्रिंज विड्थ का वैल्यू बढ़ता जाएगा और एकदम इनफाइनाइट के आसपास फ्रिंज विड्थ का वैल्यू भी इनफाइनाइट की तरफ टेंडिंग एंड दैट इज व्हाई यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रिंजेस इवन व्हेन द स्पेस एलोकेटेड इज इनफिनिटी यहां से लेकर पूरा इनफिनिटी तक और यहां से लेकर पूरा इनफिनिटी तक लेकिन टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने हो गए 625 का कैलकुलेशन चेक कर लेना टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस बिकेम व्हाट नाउ इक्वल टू 625 दैट्स लाइक फ्रिंजेस ऑन द टॉप एज वेल एज इन द बॉटम ठीक है ना अच्छा अब इस पे आ जाओ हाउ मेनी यू नो ब्राइट फ्रिंजेस आते हैं इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं है ना हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंजेस इस बार इसके क्वेश्चन में क्या होगा फिर हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंजेस आते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंजेस आते हैं इसका आंसर Yes. Shivam says 7. Okay, one answer is Shivam ne bataya 7. Baaki logon ka answer kya hai? Dhairya says 10. I hope you understood the question. The question is that there is a cylinder here and at the diameter there are two sources separated by a distance of 5 lambda with both of them having a wavelength of lambda and lambda h. Okay, Dhairya says 10 and Shivam says 7. There is no other answer till now. Akshit also says 10. Rohan says why did we equate n lambda is equal to 0.25? I didn't get it. Okay, Rohan, ab suno. Dhyan se suno. एक्चुअली पता है क्या हो रहा है देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस जीरो है क्यों क्योंकि ये वाला रे और ये वाला रे बराबर जा रहा है तो यानी पाथ लाइन बराबर तो पाथ डिफरेंस जीरो है पाथ जीरो नहीं बोला पाथ डिफरेंस लिखा है अब जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाओगे तो एक रे देखो जरा ध्यान से यही असली चीज है एक रे यहाँ से जाएगा एक रे यहाँ से जाएगा तो ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस क्या होगा यही हो जाएगा स्मॉल डी में तो क्या होता है 0.25 मिलीमीटर है ना इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जीरो लैम्डा पाथ डिफरेंस कहीं ना कहीं लैम्डा होगा कहीं ना कहीं 2 लैम्डा 7 लैम्डा 29 लैम्डा 30 लैम्डा करते 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 जाएगा और मैक्सिमम पाथ डिफरेंस क्या है क्योंकि पाथ डिफरेंस जीरो से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम पाथ डिफरेंस क्या है 0.25 लैम्डा 0.25 सॉरी नॉट लैम्डा 0.25 मिलीमीटर वो कहां होगा इंफिनिटी यानी बीच में ही तो सारा ट्रांजिशन होगा ना
कि कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस 0.1 लैम्डा भी होगा, 0.2 लैम्डा भी होगा, 0.25 लैम्डा तो इन्फिनिटी पे जाके हो रहा है, तो इतने में सारे फ्रिंजेस एकोमोडेटेड है, तो कहीं ना कहीं 0 लैम्डा पाथ डिफरेंस, फिर 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, देखते हैं कितना लैम्डा, तो n लैम्डा इज इक्वल टू 0.25 मिलीमीटर, और फिर वो मीटर मीटर में करके ही आ गया। ये चीज ऊपर भी होगा, ये चीज नीचे भी होगा, एंड देयरफॉर यू हैव व्हाट ना 625 फ्रिंजेस। That's the point. Satyam is asking a sphere wale question mein radius kya hai? Now interestingly, the answer is independent of the radius. The answer is independent of the radius. Okay, now let me give you the answer. First thing is that, yahan pe dekho, ek right yahan se yahan aayega, aur dusra yahan se aayega. To yani yahan pe path difference equal to 5 lambda. और यहां पे पाथ डिफरेंस जीरो होगा, क्यों? क्योंकि एक लाइट यहां से जाएगा, एक लाइट यहां से जाएगा, तो दोनों का पाथ डिफरेंस क्या होगा? जीरो हो गया। यानी यहां पे अगर 5 लैम्डा है तो कहीं ना कहीं 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा जीरो। फिर इधर आ जाओ, यहां पे भी तो पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा ही होगा, और यहां पे पाथ डिफरेंस क्या होगा? ये भी जीरो होगा, यहां पे भी है ना। तो देयरफॉर 5 4 3 2 1 0, फिर इधर भी होगा 5 4 3 2 1 0, फिर इधर भी होगा 5 के बाद 4 3 2 1 0, फिर इधर से भी देखो 5 लैम्डा के बाद 4 3 2 1 0। अगर काउंट करोगे तो क्या आ रहा है? 1 2 3 4, बीच में 4 4 16 और 4 20, यानी टोटल 20 राइट फ्रिंजेस आ रहे। ये आंसर आ 10 नहीं आ रहा, 20 आ रहा, तो टोटल 20 फ्रिंजेस आएंगे इसके इसमें, ठीक है ना। आई होप यू गॉट द लॉजिक कि यहाँ पे 5 लैम्डा पाथ डिफरेंस, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे 0 लैम्डा, यहाँ पे 5 लैम्डा, यहाँ पे 0, तो काउंटिंग शुरू कर दो 5 लैम्डा, 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा 0, फिर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा 0, फिर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा 0। इसके पूरे साइकिल में अगर देखोगे तो टोटल काउंट करके देखो, काउंट करके देखो तो क्या आएगा ना, 20 फ्रिंजेस होंगे, ठीक है, 20 फ्रिंजेस होंगे। अनिरुद्ध से कि लेकिन ऊपर और नीचे वाले तो जॉइंट ही होंगे, तो 11 नहीं होंगे? नहीं नहीं, जॉइंट नहीं, अलग अलग है, पता है क्यों? क्योंकि ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर के डायमीटर में दो पॉइंट पे दो सोर्स है, तो यहां पे एक अलग सा बनेगा और यहां पे अलग सा बनेगा। आई मीन दिस इज एक्चुअली द टॉप व्यू, ये जो व्यू है ना ये एक्चुअली टॉप व्यू है, टॉप से देख रहे हो ऊपर से, तो ये अलग वो काउंट होगा, ये अलग काउंट होगा। That's the point. This was a question from Anirudh. There's one more question, it seems. Need two more. Ek second. Shivam is asking, would the interference at the center of the cylinder be constructive or destructive? But actually, kehna dekho, interference to dunya ke har point pe hoga. The point is that whether you'll be able to see it or not will depend on whether there's a screen or not. एक चीज जरा बताओ, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक ट्यूबलाइट है, अब कैमरा तो है नहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड आई थिंक दिस इज ट्यूबलाइट। अब ट्यूबलाइट को मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस मान सकता हूँ, ट्यूबलाइट को मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस मान सकता हूँ, तो देखो अगर कोई भी पॉइंट रैंडमली ले लो यहाँ, तो ट्यूबलाइट के एक कॉर्नर से एक लाइट आ रहा है, दूसरे कॉर्नर से आ रहा है, और बीच बीच में सारे पॉइंट से लाइट आ रहा है, तो देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरफेरेंसेस हैपनिंग राइट हियर इटसेल्फ, इसी पॉइंट पे, पर मैं उसको कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई स्क्रीन नहीं रखा, इसलिए अगर इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है तो दैट के स्क्रीन पे ही देख सकते, समझ रहे हो? अदरवाइज तुमको पता नहीं चले, अदरवाइज इंटरफेरेंस हो रहा होगा, इवन हियर ऑल्सो, ये स्क्रीन गायब कर लो, यू विल सी नथिंग एक्चुअली, बिकॉज योर आईज विल बी एट सम पॉइंट, तो तुमको कुछ एक लाइट दिखेगा जो कि लाइट तुम्हारे आईज पे आ रहा है, बट लाइट के पूरे रीजन पे क्या पैटर्न बन रहा है उसे स्क्रीन पे ही दिख सकता है, तो जब तक स्क्रीन ना हो तो इंटरफेरेंस का पैटर्न तुमको नहीं दिखेगा, इंटरफेरेंस हो रहा होगा, इट्स अ डिफरेंट मैटर। तो इसलिए अगर अपने कमरे में अगर मैं देखता हूँ
तो क्योंकि ट्यूबलाइट एक एक्सटेंडेड सोर्स है, सो दैट कैन बी कंसीडर्ड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस. तो हर पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है, फिर हमें कुछ नहीं पता चलता. क्यों? क्योंकि इतने सारे इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई डिस्ट्रक्टिव, कोई मीडियम, कुछ 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 करके. व्हाट वी सी इज द नेट इफेक्ट. द नेट इफेक्ट इज व्हाट? अ डिफ्यूज पैटर्न ऑफ लाइट. इसलिए दो कॉन्क्रीट पॉइंट सोर्सेस होने चाहिए, तब जाके इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता. दैट्स व्हाट इज द केस. शिवम हैज आस्क्ड व्हेदर द सिलेंडर, द सेंटर ऑफ द सिलेंडर बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. At the center, it will be destructive because ये 2.5 lambda, sorry, path difference ये भी zero है, sorry. Then ये भी constructive. क्यों? क्योंकि ये भी 2.5 lambda, ये भी 2.5 lambda और दोनों coherent source है. तो यहाँ पे path difference क्या होगा? Zero. See, what is not mattering is the path. What is mattering is the path difference. तो center पे भी अगर देखोगे तो path difference zero. ठीक है ना? It's like that. और एक question है. अच्छा, सरफेस सिलेंडर है, मुझे लगा स्फीयर. नहीं नहीं, अगर स्फीयर भी होगा ना, अगर स्फीयर भी होगा, सुन लो, अगर स्फीयर भी होगा ना, और अगर डायमीटर में दो सोर्स रख दो तो भी यही काउंटिंग होगा, काउंटिंग में अलग नहीं होगा. ठीक है, ये चीज. सत्यम दास के, आई वॉज थिंकिंग स्फीयर, सो प्लीज इग्नोर माई क्वेश्चन. नहीं नहीं बेटे, स्फीयर में भी यही चीज होगा. स्फीयर में अलग क्यों होगा? इट इज जस्ट दैट इन अ सिलेंडर यू विल हैव लीनियर फ्रिंजेस. अगर एक सिलेंडर होगा ना, देखो ये वाला चीज अगर एक सिलेंडर में रखोगे, इन दैट केस फ्रिंजेस ऐसे मिलेंगे. ठीक है ना? और अगर मान लो तुम उसमें रखोगे, क्या बोलते हैं, स्फीयर में, तो इन दैट केस फ्रिंजेस ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे. बस यही फर्क होगा, नंबर पे कोई फर्क नहीं होगा, नंबर पे जो है कोई असर नहीं. ठीक है ना? सो एनीवे, सो दैट वाज अबाउट नंबर ऑफ फ्रिंजेस. नाउ लेट्स कम टू नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. फाइनली इस पे ये लैम्डा है, ये एच है, कुछ वैल्यूज भी दे देता हूं. लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम और एच इज इक्वल टू दे देता हूं एज 0.4 मिलीमीटर. What is the total number of fringes? अनिरुद्ध ने आज की और ऊपर और नीचे वाले रेस्पेक्टिव फ्रिंज रिंग्स का पार्ट होंगे. हाँ, तो आई मीन देन इट विल डिपेंड ऑन हाउ यू आर काउंटिंग. आई मीन अगर पूरे सर्कल को एक काउंट करोगे, देन इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ काउंटिंग. ठीक है ना? तो देन इट वुड बी डिफरेंट. आई गॉट योर पॉइंट. ठीक है ना? हाँ जी, तो व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन दिस पर्टिकुलर केस? नाउ सत्यम ए सेट की फिर काउंटिंग कैसे करेंगे? एज आई सेट, इट विल डिपेंड ऑन हाउ यू आर काउंटिंग. है ना? इधर का और एक्चुअली तो देखा जाए तो इधर वाले अलग टाइप के लाइट ऑफ लाइट पोर्शन पे बनेगा और ऐसे करके ज्वाइन जरूर होंगे. तो इन दैट केस इट विल डिपेंड ऑन वेदर यू काउंटिंग वन सर्कल. इफेक्टिवली एक सर्कल टाइप का बनेगा एज वन फ्रिंज और यू आर काउंटिंग दिस एज वन एंड दिस एज वन. तो इट विल डिपेंड ऑन दैट काउंटिंग. सर कोई स्टैंडर्ड तो कुछ है नहीं, है ना? ये चीज सजेशन वुड बी टू बेटर काउंट देम सेपरेट ओनली. ठीक है ना? चलो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रिंजेस, टोटल फ्रिंजेस? यस, एनी आंसर टू दिस? इसका okay, Shivam has given the first answer and that is 1600. Okay, Karthik has also given the answer of 1600. Jag Jaguar has given 800.5.
ओके इंटरेस्टिंग. वैसे फ्रिंजेस फ्रैक्शनल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बाकी मैं भी काउंट करता हूँ, देखता हूँ. अभी के इस गिवन 1600 है. चलो ठीक है. और एक चीज देखो, एक तो यहाँ पे तो चलो ठीक है, जो है वो तो है, डजंट मैटर मच, क्योंकि यहाँ पे भी 0.5 का पाथ डिफरेंस होगा. और यहाँ पे जो जाएगा ना इंफिनिटी वाला, ऐसे वाला, उसमें भी एक 0.5 का डिफरेंस होगा. तो लाइक मैं तो इसको ऐसे सोर्स यहाँ पे काउंट करूँ, यानी बेसिकली मैं डी को लेने वाला हूँ एज 0.8 मिलीमीटर. That's it. Now you might say, लेकिन आप यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होता है उसको क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? पाई का एक फेज डिफरेंस होता है, वो भी तो लैम्डा बाय 2 है. ना देखो, अगर ऐसे काउंट करते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है. बट ध्यान रखना, प्रॉब्लम पता है क्या ना, ऐसे यहाँ पे भी तो 0.5 का पाथ डिफरेंस होगा. यहाँ 0 थोड़ी होगा, ये 0.5 होगा. तो देयरफॉर वो इवन आउट हो जाएगा, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, फर्क एक दूसरे वजह से पड़ेगा. क्या? कि पिछले बार आंसर यहाँ पे आया था 312.5. पिछले बार ये इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 312.5 आया था, यहाँ पे भी 312.5 था, हमने डबल किया, तब जाके 625 आया. इस बार वो डबलिंग हम नहीं करेंगे, पर ये जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे हाफ लैम्डा का, उससे हमें कोई लेना देना. क्यों? क्योंकि वो पॉइंट, वो प्रॉब्लम यहाँ पे भी, तो देयरफॉर वो कैंसिल आउट हो जाता है. मेन थिंग इज दैट दिस इज द मैक्सिमम पाथ डिफरेंस एंड यू नो देयरफॉर the number of fringes will be 0.8. So n will be equal to 0.8 into the minus 3 by 5000 angstrom. So like 5000 into 10 to the power minus. That's it. Yani kitna ho jayega fir ye? 10 to the power the minus 10 minus 7 plus 7. So plus 4. So 8000. By 5. Yeah, right. 1600, yeah. 1600 fringes, that's right. अच्छा जय ने उसको 0.4 ले लिया. चलो ठीक है. Now everybody is right. Shaurya Tyagi, Khushi Bhatt, Dhruv. अच्छा Shaurya ने पहले 800 देके बाद में correct कर लिया. चलो it's good. I mean, one should always be having that rethinking ability. चलो ठीक है. Now it's all correct. शिवम, कार्तिक, जय, अभिक, अक्षित, शौर्य, ध्रुव, रचित, खुशी, जय. नाउ एवरीबॉडी हैज डन इट करेक्ट. ठीक है, वेल डन. तो देयरफॉर अभी इस बार कितने फ्रिंजेस हो गए ना, टोटल 1600. अब मैं काम करता हूँ ये जो अभी मैंने फ्रिंजेस के काउंटिंग किया था है ना, तो मैं पूछना चाहूंगा इज दैट कि सपोज ये है 3 लैम्डा और ये मान लो है 4 लैम्डा और ये स्क्रीन, तो अब इसके यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज होगा है ना, यहाँ पे ब्राइट. क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फर्स्ट ब्राइटर, केवल व्हाट विल बी द फर्स्ट ब्राइट अबव सेंट्रल लाइन. ये वाई निकाल लाइन, ये सेंट्रल लाइन है, ये स्क्रीन. आई नीड टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट अबव द सेंट्रल लाइन. लोकेट first bright above central line. Of course S1 S2 are both coherent with lambda each. Ye bhi lambda, ye bhi lambda. So S1, given that S1, S2 are 4.
अनिरुद्ध एक्चुअली एग्जैक्टली आई वाज पॉइंटिंग आउट दैट पॉइंट ओनली इज दैट इस बार कोई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं होगा और नंबर ऑफ फ्रिंजेस सेंट्रल के वैसे नहीं होगा, सेंट्रल को तो काउंटिंग होगी, एक वो जो पीक है उसके एक नाम दे दिया, इट्स नॉट सम काइंड ऑफ स्पेशल फ्रिंज, ठीक है ना। व्हाट मैटर्स इज द पाथ डिफरेंस फाइनल, और कुछ नहीं मैटर करेगा। वेल अक्षित हैज गिवन आंसर 7 लैम्डा बाय 24, और जल्दी आ गए तो मैं तो सोच रहा हूं कि आंसर आया कैसे। हाँ हाँ अनिरुद्ध, मैं भी पहले पिछले वाले क्वेश्चन की बात मैं भी कर रहा था, इज दैट पिछले वाले क्वेश्चन में ना यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कोई है ही नहीं, इज नो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इज एक्चुअली डार्क फ्रिंज। याद करके देखो, कल हमने डिस्कस किया था कि लॉयड्स मिरर में, दिस इज द लॉयड्स मिरर, लॉयड्स मिरर में यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट नहीं होता, यहाँ पे डार्क, और डार्क इसलिए होता है कि यहाँ पे लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस हो जाता है, और वही लैम्डा बाई टू पाथ डिफरेंस यहाँ पे रिफ्लेक्शन से भी होगा। तभी हमने एक सोर्स ऐसे लिया और एक सोर्स यहाँ पे लिया, और स्लिट डिस्टेंस बोलते हैं वो डी लिया, और यहाँ पे जो ये वाला जो वर्चुअल सोर्स है उसके वजह से जो रिफ्लेक्शन का लैम्डा बाई टू है वो मैंने लिया, क्यों, क्योंकि वो लैम्डा बाई टू तो यहाँ पे भी है, तो स्टार्ट जीरो से तो हो नहीं रहा है, तो लैम्डा बाई टू से हो रहा है, और यहाँ पे भी एक लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, सो इट इवेंस आउट। अक्षित से इसकी इन द लास्ट केस वाई एंड बी डबलिंग, वो डबलिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि देयर आर नो फ्रिंजेस आउट हियर, इस पे तो नो फ्रिंजेस है, ये तो मिरर है, नो फ्रिंजेस, यहां पे नो फ्रिंजेस, सिर्फ फ्रिंजेस अबव होगा। अक्षित समझे ना क्यों नहीं डबल क्वेश्चन डबल किया मैंने, तो डबल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिंजेस है ही नहीं, ये तो एक ओपेक मिरर है ना, तो इसके थ्रू तो लाइट ही नहीं पहुंचेगा नीचे, तो देयरफॉर नो डबलिंग, सो ओनली 1600 जो आया था हमने ऊपर का ही ले लिया बस 1600, और कुछ किया ही नहीं। सो एनीवे लेट्स कम टू दिस, इसका आंसर अक्षित ने दिया 7 लैम्डा बाय 24, अक्षित ने उसको चेंज कर दिया 11 लैम्डा बाय 56, ओके चलो देखता हूं मैं whether any of these two are right or wrong. So, ये तो मुश्किल लग रहा है, बट एनीवे आई हैव नॉट कैलकुलेटेड, आई एम नॉट कमेंटिंग राइट नाउ। पहली बात तो देखो, एक चीज ध्यान रखना इज दैट इस बार थोड़ा सा चीजें अलग है, मैं बता दूं कैसे, इस बार ना वो नेग्लेक्ट प्रेग्लेक्ट कर वाला काम ना चलेगा, क्यों, क्योंकि देखो पहले मैंने बोला था ना वो स्मॉल टी वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल टी है ना, इस बार ऐसे नहीं, ये 3 लैम्डा ये 4 लैम्डा नेग्लिजिबल कोई भी नहीं है, तो देयरफॉर अगर वाई यहाँ पे है ना, तो पहली बात तो सेंट्रल के ऊपर जो फर्स्ट ब्राइट होगा, सो कॉल्ड फर्स्ट ब्राइट, सेंट्रल लाइन के ऊपर जो सो कॉल्ड फर्स्ट ब्राइट होगा, यहां पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, यहां पे पाथ डिफरेंस क्या लोगे बताओ जरा, ओके सत्यम सेज 2 लैम्डा, धैर्य इज गिवन द आंसर एंड दैट इज रूट अंडर 585/4, लैम्डा रूट अंडर 585/4, ये मुझे समाओ सही लग रहा है क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि इसमें रूट रूट आता है, एग्जैक्ट आंसर तो कोई याद करने वाला होता नहीं, वो तो मैं खुद ही बना देता हूँ जब मर्जी जो मर्जी आंसर, ओके दैट्स राइट 2 लैम्डा, यानी पहली बात तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें सिस्टम इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब क्या, कि इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ कि इस बार इंफिनिटी पे पाथ डिफरेंस जीरो होगा, इस बार इंफिनिटी पे पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो at infinity, इस बार at infinity path difference zero होगा, फिर कहीं ना कहीं lambda होगा, कहीं ना कहीं 2 लैम्डा होगा, फिर यहाँ पे 3 लैम्डा, तो यहाँ पे जो path difference है वो equal to 3 लैम्डा,
तो देयरफॉर ये पाथ और ये पाथ अगर दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वो आएगा देखना 2 लैम्डा, तो वो कैसे होगा, वाई स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा का होल स्क्वायर का अंडर रूट माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू होगा इक्वल टू 2 लैम्डा। देखो अगर फ्रिंज विड्थ पहला वाले का पूछा जाए, पहला वाला फ्रिंज विड्थ अगर पूछा जाए तो ब्राइट और ब्राइट के बीच का, तो ये वाई आएगा। अभी वाई सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, maybe what I can do is that let me take this to the other side, then ये हो जाएगा y square plus 49 lambda square is equal to y square plus 16 lambda square plus 4 lambda का square, है ना, 4 lambda square plus 2 into 2 lambda into under the y square plus 16 lambda square, yeah, y square cancel. 16 lambda square plus 4 lambda square, very 20, इधर आएगा तो 29, 29 lambda square is equal to 4 lambda, 1 lambda cancel कर, into under root of y square plus 16 lambda square, अब दोनों साइड square कर, 29 का square, है ना, तो 29 का square, क्या होगा, I think 861 होगा, या क्या होगा, जो भी, ठीक है ना, तो 29 का स्क्वायर, तो यानी 29 स्क्वायर लंबा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इनटू वाई स्क्वायर प्लस 16 लंबा स्क्वायर, है ना, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29 बाय 4 का होल स्क्वायर लंबा स्क्वायर माइनस 16 29 square minus 16 का square by 16 मरणगौर आल्सो गिवन द सेम आंसर, देयर इज रूट अंडर 585 बाय 4, हां तो ऐसे देख लो जो भी आ रहा हो, 29 का स्क्वायर है वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ 585 बाय 4। ये फ्रिंज विड्थ पहला वाले का आ गया, ऐसे अगर दूसरा चाहते तो ये आ जाएगा। नाउ कार्तिक हैज आस्क्ड कि ये पाथ डिफरेंस आपने 2 लैम्डा क्यों ले लिया, एक्चुअली देखो इंफिनिटी में पाथ डिफरेंस 0 है, यहाँ पे 3 लैम्डा, क्यों, ये देखो ना, ये 4 लैम्डा और ये 7 लैम्डा कवर करके आ रहा है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस तो 3 लैम्डा हुआ ना, यानी इस बार पूरा इंटरफेरेंस का पैटर्न इन्वर्टेड है, इट्स इन्वर्टेड थिंग। तो अगर मैं पूछूं व्हेयर इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का डेफिनेशन क्या है, व्हेयर पाथ डिफरेंस इज टू 0, दैट मींस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बी एट इंफिनिटी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में इंफिनिटी यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा भाई देव एक चीज और बताओ, इसमें शेप ऑफ द फ्रिंज क्या आएगा, ये पूरा स्क्रीन है, फ्लैट स्क्रीन है मान लो, इन दैट केस शेप ऑफ फ्रिंज क्या होंगे, शेप ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगे, रिंग्स, बिल्कुल, यानी सर्कुलर होंगे विद द सेंटर एट दिस पॉइंट एंड रेडियस इक्वल टू वाई, तो यानी ये जो फ्रिंज होगा ना, ये जो फ्रिंज है ना, अगर इसको वैसे वाला बनाओ ना, इन दैट केस क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना, तो शेप ऑफ फ्रिंजेस हो गए सर्कल्स विद दिस एज द सेंटर, ये सेंटर हो,
और रेडियस हो जाएगा वाई, वाई हो जाएगा ई वन। अब अगर ऐसे सेकेंड फ्रिंज चाहिए, ये तो फर्स्ट राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, सेकेंड फ्रिंज राइट फ्रिंज अगर चाहिए वाला, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा, और उसके बाद वाला तो इंफिनिटी पे चला गया, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा का मतलब हो जाएगा फिर ये टू लैम्डा का जगह लैम्डा कर देंगे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होंगे तो अकॉर्डिंगली वर्क इट आउट एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। तो इससे क्या होगा ना, फ्रिंज विड्थ पहले का और दूसरे का भी आ जाएगा, तो दूसरे का फ्रिंज विड्थ, तीसरे का तो फ्रिंज विड्थ इंफिनिटी, तीसरे का तो फ्रिंज विड्थ जो है इंफिनिटी, ठीक है ना। तो जस्ट स्पेंड सम टाइम मे बी एंड फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ ऑफ द सेकंड फ्रिंज डब्ल्यू टू। ये तो डब्ल्यू वन हो गया, वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू वन, ठीक है, और ये हो जाएगा डब्ल्यू टू। Why not find W2 now? Find W2 quickly, so that in the meanwhile I can take the attendance. जल्दी W2 निकालो। अक्षित से इसके 3 lambda वाला दोबारा बता दो please, 2 lambda वाला। अच्छा अच्छा, देखो what I'm trying to say is that यहाँ पे 7 lambda, यहाँ पे 4 lambda, तो यहाँ पे path difference 3 lambda, और वहाँ पे path difference 0, तो यानी 3 lambda से शुरू होके 0 हुआ है, तो यानी क्या reducing हुआ होगा। तो अगर ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो यानी यहाँ पे तो 3 लैम्डा होगा, तो कहीं ना कहीं 2 लैम्डा होगा, है ना। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हो गया 2 लैम्डा, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस लैम्डा हो गया, इधर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, और फिर पाथ डिफरेंस 0। तो ये हो गया पहले वाले का फ्रिंज विड्थ, तो पहले वाले का फ्रिंज विड्थ तो ये आ गया, अगले वाले का फ्रिंज विड्थ ये आएगा, और थर्ड वाले का फ्रिंज विड्थ इनफाइनाइट आएगा, ठीक है ना। So anyway, in the meanwhile, I will take the attendance. चलो, आई एम श्योर क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा अभी। अच्छा आंसर नहीं आएगा, लेकिन बड़े रूट रूट के अंदर आएगा। आर्यन, तुम्हारा आंसर इतना अच्छा कैसे आ रहा है, 10.5 कर। अच्छा, अप्रोक्सीमेट, अच्छा सॉरी, ठीक वो सर।
Satyam says root under 240 minus root foot वैसे कुछ होगा root under में आएगा obviously है ना तो यानी basically कह रहा है कि वो पहले तो निकालूंगा y dash पहले y dash निकाल लेते हैं तो y dash लिख देता हूँ मैं इसको है ना और ये भी y dash हो जाएगा और ये हो जाएगा lambda ये path difference यहाँ पे lambda बस इतना ही difference है तो बाकी ये सब y dash हो जाएगा lambda ट्राइस खत्म हो जाएगा ये lambda square हो जाएगा plus ये 4 तो नहीं आ रहा इसमें ये तो अच्छा सा नंबर आ रहा है तो 16 का स्क्वायर y स्क्वायर y डैश स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर ठीक है ना ये हो गया 240 लैम्डा यानी W2 यानी फाइनली W2 आ जाएगा क्या यही पे लिख देता हूँ therefore W2 will be equal to yeah I think lambda common लेके under root of 240 minus under root of 585 by that's the root ये हो जाएगा fringe width of the second fringe Manan has said 4 root 15 lambda I think that's what I got अच्छा इन द मीनवाइल अक्षित हैज आस्क्ड देयर इज इन लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एवरेज एंड आंसर वाज एप्रोक्सीमेटली इक्वल एवरेज ये एवरेज क्या है मतलब समझ में नहीं आ रहा एवरेज क्या कैलकुलेट कर और एवरेज बड़ा रिस्की है आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो खैर ये समझ में नहीं आया कि एवरेज क्या किस चीज का कैलकुलेट कर रहे हो बट इवन इफ यू डू सम काइंड ऑफ एवरेजिंग आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस तो वो रिस्की होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट चाहिए होगा और थोड़ा सा आंसर चॉइस में डिपेंड जैसे आर्यन ने आंसर दिया 10.5 लैम्डा अप्रोक्स अब वो तो डिपेंड करता नहीं कि आंसर चॉइस कैसे है अगर आंसर चॉइस रूट के अंदर है यानी एकदम एग्जैक्ट है जैसे इस तरीके का आंसर तो इन दैट केस वो 10.5 वाला तो मैच कराना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा तो इन दैट केस तो एग्जैक्ट ही चाहिए ठीक है ना नहीं 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 अक्षित ये थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ है व्हाट यू आर सीइंग इज दैट कि मैंने निकाला S1 का कहां ब्राइट फ्रिंज होगा और S2 का कहां ब्राइट फ्रिंज होगा लेकिन एक चीज का जवाब दो इज दैट S1 अकेले का कोई ब्राइट फ्रिंज थोड़ी होगा S1 तो पूरा लाइटिंग करेगा S2 तो पूरा लाइटिंग करेगा वो तो दोनों मिलने के बाद एक पैटर्न बनता है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है ना तो देयरफॉर दिस अप्रोच इज नॉट ऑन अ वेरी साउंड फुटिंग आई मीन एस वन का ब्राइट निकाल लिया एस टू का ब्राइट निकाला और एवरेजिंग कर तो ये जो है कोई आइडिया नहीं है कोई कंसेप्ट नहीं है ठीक है ना इस पे नहीं चलेगा ठीक है और अकेले एक सोर्स तो वैसे भी ब्राइट और डार्क कुछ भी नहीं करता
अकेले एक सोर्स तो सिंपल लाइटिंग करता है कि भाई उसका लाइट हर जगह पहुंच रहा है, नीचे भी पहुंच रहा है, ऊपर भी पहुंच रहा है ना, चारों तरफ पहुंच रहा है, एक सिंगल सोर्स की बात कर। इंटरफेरेंस इज ओनली व्हेन देयर आर टू सोर्सेस एंड दे मिक्स टुगेदर एंड देयर इज सम पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस और कुछ डिफरेंस है जिसके वजह से मिक्सअप होके कुछ रिजल्टेंट इंटेंसिटी वगैरह बनता है, ठीक है ना। चलो तो लाइक दैट वाज द डिस्कशन ऑन इन दिस केस, यानी यहाँ पे फ्रिंजेस जो है टोटली इन्वर्टेड है, इसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इंफिनिटी पे, ठीक है ना। तो जस्ट द लास्ट स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर केस का, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इंफिनिटी पे और जो बाकी है वो इधर उधर फाइनाइट जगह पे, दैट वाज द केस अभी, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं एंड यू नो आई होप जय गोयल इज आस्किंग हाउ डिड ही कैलकुलेट ब्राइट विल दे एग्जिस्ट। No. That's why I was that's why I said ना कि अक्षय की और thought is not on the right track अभी, तो उसको चेंज करो। That's why I suggest कि वो सही approach नहीं। Even I was also little curious कि वो averaging बता रहे थे, तो averaging किस basis पे बता रहे? What he might have taken is that एक source का यहाँ bright बन रहा है, दूसरे का यहाँ बन रहा है, तो एक काम करो बीच का कुछ ले लो। तो but that's not the right approach है और वो चलेगा भी नहीं। Approximately he was saying कि answer approximately match कर रहा है, मतलब that's very risky। वो approximate कैसे match कर गया, that's a different matter। और वैसे भी ये approach चलेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम लोग continue करेंगे। अभी YDSC में और चीजें रहता है, वैसे इस chapter में JE Advanced में देखो तो 80-90% questions YDSC का ही आता है, पर YDSC में और variety है। Now that's what we'll be exploring in tomorrow session, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग continue करेंगे on various other YDSC situations, ठीक है। चल आज के लिए, have a good day। Thank you sir। Okay बेटे, have a good day। Thank you sir। Thank you and have a good day। Thank you sir। Thank you and have a good day।